सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक ज़बरदस्त एप्लीकेशन के बारे में। गाइस, एप्लीकेशन में आपको किस तरीके से काम करना है सब कुछ आपको बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर एंड तक। चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर लो, पास में आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना जिससे मेरी डेली की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो गाइस मैं कर लेता हूँ ओपन और गाइस जान लेते हैं उस एप्लीकेशन के बारे में। तो गाइस मैंने एप्लीकेशन को कर लिया है ओपन। ओपन करने के बाद आपके सामने गाइस ये वाला इंटरफेस आ जाता है। अगर तो आप नए यूज़र हो तो गाइस आपको गाइस इसके अंदर गाइस रजिस्टर करना है। गाइस क्रिएट अकाउंट पर आपको गाइस नीचे गाइस इधर की तरफ गाइस आप देखेंगे क्रिएट अकाउंट का आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा नीचे की तरफ। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ इसके अंदर आपको क्या क्या इसके अंदर फिलअप करना होता है। तो गाइस आपको इधर यूज़र नेम और गाइस ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर और गाइस पासवर्ड और गाइस आपको रेफर कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि आपको रेफर कोड आप इसके अंदर से इजी तरीके से डालकर अर्निंग कर सकते हो। तो गाइस मैं इसके अंदर जल्द से जल्द इसके अंदर डाल देता हूँ। तो गाइस मैंने इसके अंदर सभी डिटेल्स डाल दिए। गाइस डालने के बाद गाइस आप देख पा रहे होंगे मेरे को इधर ऊपर की तरफ 20 कॉइन इधर से मिल चुके हैं, जो कि आप इधर देख सकते हो। तो गाइस अब आपको मैं बताऊंगा इसके अंदर आपको अर्निंग किस तरीके से करनी होती है। गाइस सबसे पहले हम इसका जो भी इंटरफेस है ये इसके बारे में जान लेते हैं। तो गाइस इधर आपको ऊपर की तरफ सबसे पहले आप आओगे, आपको ऊपर की तरफ तीन लाइन मिल जाएगी। तीन लाइन गाइस इधर आप ओके करोगे इसके ऊपर। तो गाइस जैसे मैं इसके ऊपर ओके करता हूँ, ओके करने के बाद गाइस आपके सामने ये वाला इंटरफेस आ जाता है। ये वाला इंटरफेस आने के बाद गाइस आप इधर देख सकते हो आपको इधर आपकी जो भी जीमेल आईडी होगी वो आपको इधर दिखा दी जाएगी। जैसे मेरी जीमेल आईडी और गाइस आपको इधर हिस्ट्री मिल जाती है, प्राइवेसी पॉलिसी और गाइस इधर जो भी आपके प्रॉब्लम आती है ऐप में। तो गाइस आप इधर से कॉन्टैक्ट यूज़ भी कर सकते हो, इधर अबाउट का ऑप्शन मिल जाता है, इधर से फीडबैक दे सकते हो, जैसे गाइस लॉग आउट आप हो सकते हो। तो गाइस इधर से गाइस ये सब आपको ऑप्शन मिल जाते हैं और गाइस इधर का गाइस वो जो भी ऑप्शन है वो दूसरा ऑप्शन भी मैं आपको इधर बता देता हूँ। तो गाइस सबसे पहले हम आएंगे गाइस नीचे की तरफ। नीचे की तरफ आप देख सकते हो इधर आपको नीचे की तरफ प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा। इधर मैं आपको बता देता हूँ, इधर आपको ये दिखाई दे रहा होगा ये वाला जो मैं आपको बता रहा हूँ। इधर आपको जैसे नीचे आएंगे इधर प्रोफाइल का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा नीचे नीचे की तरफ। इसके ऊपर जैसे ही आप ओके करोगे, प्रोफाइल के ऑप्शन पर ओके करने के बाद आपके सामने एक ऐड आ जाएगी। ऐड को आपको कुछ नहीं करना, कुछ सेकंड की ऐड रहेगी तो ऐड को आपको देख लेनी है। देखने के बाद गाइस आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, इसको यहाँ से कट कर देना है, मैं बता देता हूँ। तो गाइस जैसे ही आप ऐड को कट कर देते हो, कट करने के बाद गाइस आपके सामने गाइस इधर जीमेल आईडी दिखा दी जाएगी। जो भी आपका ईमेल आईडी है तो आपको इधर दिखा दिया जाता है, इधर आपको मेरा नाम शो रहा होगा। और गाइस आपको गाइस इधर गाइस ज़्यादा कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा है प्रोफाइल में। प्रोफाइल में गाइस आप गाइस होम पेज पर आएंगे। गाइस होम पेज पर गाइस आपको गाइस इनवाइट का ऑप्शन भी इधर आपको मिल जाता है देखने को। सबसे पहले गाइस आपको मैं बता देता हूँ आपको इधर से अर्निंग कैसे करनी है, गाइस उसके बाद में गाइस आपको इनवाइट का ऑप्शन भी बता दूंगा। तो गाइस सबसे पहले गाइस आपको डेली चेक इन मिल जाता है और गाइस आपको गाइस इधर मेरा नाम भी शो हो रहा है ऊपर, और गाइस आपको स्पिन का ऑप्शन मिल जाता है, स्क्रैच और इधर विजिट अर्निंग का ऑप्शन भी मिल जाता है, और इधर वीडियो वॉच का और गाइस इधर लास्ट टास्क का ऑप्शन भी आपको मिल जाता है, और इधर रिवॉर्ड्स का भी मिल जाता है। इधर ये आपको 6 से 7 ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। ये सब आपको समझाऊंगा किस तरीके से आपको इसके अंदर अर्निंग करनी है। तो गाइस स्टार्ट कर लेते हैं अब इसकी अर्निंग किस तरीके से करनी है। तो गाइस सबसे पहले डेली चेक इन पर ओके करते हैं। डेली चेक इन पर ओके करोगे तो गाइस आपके सामने एक ऐड आ चुकी है, ऐड को कट कर देना है जैसे कि मैं कट कर देता हूँ, उसके बाद गाइस कंटिन्यू बता देता हूँ। तो गाइस ऐड कट करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ, गाइस इधर आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, एक तो शेयर का और गाइस एक स्किप का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। और गाइस मुझे गाइस जो सक्सेसफुली 100 कॉइन इधर मिल चुके हैं कंग्रेचुलेशन ऊपर लिखा हुआ दे रखा होगा आपको, गाइस आप इधर देख सकते हो कंग्रेचुलेशन। तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ गाइस आपको गाइस इधर गाइस ऐड कट करने का कोई निशान नहीं आएगा। गाइस जो हमारा जो मोबाइल में बैक बटन होता है आप उससे ऐड को कट कर सकते हो। तो गाइस मैं इधर से स्किप के ऊपर ओके कर देता हूँ, जैसे कि आपको मैं ये बता चुका हूँ नीचे आपको ये स्किप दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर ओके कर देता हूँ मैं। स्किप के ऊपर ओके करते गाइस आप देख सकते हो गाइस मेरे पास 120 कॉइन इजी तरीके से जुड़ चुके हैं। तो गाइस आप ऊपर देख सकते हो मेरे वॉलेट में ऊपर की तरफ 120 कॉइन हो चुके हैं, और गाइस 120 कॉइन होने के बाद गाइस आपको सब कुछ मैं इधर बता दूंगा। और गाइस आपको गाइस इधर चेक इन कर लीजिए। चेक इन करने के बाद गाइस आपको स्पिन कैसे करनी होती है, स्पिन के ऊपर आपको ओके कर देना है। स्पिन के ऊपर जैसे आप ओके करते हो तो गाइस आपको गाइस इधर डेली स्पिन गाइस आपको 20 डेली स्पिन इधर मिल जाती है, आप इधर देख सकते हो डेली स्पिन आपको मिल जाती है। और गाइस आपको गाइस इसके ऊपर ओके कर देना है, प्ले के ऊपर। प्ले के ऊपर जैसे ही आप ओके करोगे, प्ले के ऊपर ओके करने के बाद आपका जो भी स्पिन होगा तो गाइस वो घूमने लग जाएगा। घूमने के बाद अगर तो आपके जो भी कॉइन मिलेगा तो गाइस आप देख सकते हो इधर मुझे सक्सेसफुली गाइस एक कॉइन मिल चुका है। और गाइस इधर गाइस आपको इधर देख सकते हो इधर शेयरिंग का ऑप्शन आ चुका है और गाइस स्किप का ऑप्शन आ चुका है। तो गाइस मैं इधर से स्किप कर देता हूँ। स्किप करने के बाद गाइस आपके सामने गाइस इधर गाइस मेरी जो स्पिन है गाइस 19 हो चुकी है। 19 होने के बाद गाइस अब दोबारा इस पर स्पिन कर लेता हूँ। स्पिन करने के बाद गाइस अब मेरे को जो भी इधर कॉइन मिलते हैं तो गाइस लाइव मैं आपके सामने इधर स्पिन कर रहा हूँ। तो गाइस आप इधर देख सकते हो मेरे को इधर मतलब कि मैं इधर से ऑटोमेटिक बैक आ चुका हूँ। तो गाइस इधर से गाइस ये जो स्पिन है गाइस हमको गाइस कुछ वेट करना पड़ता है, गाइस उसके बाद गाइस ऑटोमेटिक मतलब कि ये बैक भी आ जाती है। तो गाइस आप इधर से देख सकते हो मेरे को जो मिला था तो गाइस मेरे को वन कॉइन मिला था। गाइस सबसे पहले 1 कॉइन मिलने के बाद गाइस मेरे को 3 कॉइन मिले, जो कि गाइस आप देख सकते हो ऊपर 124 कॉइन मेरे पास हो चुके हैं गाइस इंस्टेंट। तो गाइस अब मैं आपको बता देता हूँ आपको और किस तरीके से इधर अर्निंग करनी होती है। तो गाइस अब जान लेते हैं इधर की दूसरी स्क्रैच की बात। तो गाइस आपको स्क्रैच पर ओके कर देना है।
तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ गाइस, जो स्क्रैच कार्ड का जो ऑप्शन है गाइस, वो अभी फिलहाल के लिए मेरे मोबाइल में काम नहीं कर रहा है। तो गाइस जब काम करेगा तो गाइस आपके मोबाइल में काम करने लग जाता है। तो गाइस आप क्या करना है, आपको स्क्रैच कार्ड के ऊपर ओके कर देना है। स्क्रैच कार्ड के ऊपर जैसे आप ओके करते हो स्क्रैच आ जाएगा। तो गाइस आप इधर से इजी तरीके से स्क्रैच कर लेना। तो गाइस अब आपको मैं विजिट एंड अर्निंग का ऑप्शन बता देता हूँ, इसके ऊपर ओके करता हूँ। विजिट एंड अर्निंग के ऑप्शन के ऊपर जैसे मैं ओके करूँगा तो गाइस आपको इधर कुछ वेबसाइट आ जाएगी। तो गाइस आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं करना होता इस वेबसाइट में। आपको इधर से 10 पॉइंट आपको इधर दिखाई दे रहे होंगे पर वेबसाइट पर गैस आपको 10 पॉइंट आपको इधर दिखाई दे रहे हैं। इधर आपको 10 पॉइंट ले लेने हैं। लेने कैसे सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। आपको करना क्या है, इस एक वेबसाइट पर ओके कर देना फर्स्ट वाले पर। इसके ऊपर जैसे आप ओके करते हो, इसके ऊपर ओके करने के बाद ये थोड़ा सा लोडिंग लेगी। लोडिंग लेने के बाद ये पेज है जो ओपन होगा। तो गैस आप देख सकते हो इधर ये पेज है जो गैस कम्प्लीटली ओपन हो चुका है। तो गैस आप इधर देख पा रहे होंगे साइड में हमारे जो है इधर टाइमर भी चल रहा है। तो टाइमर को हम जब तक वेट कर लेते हैं, ये टाइमर जब 9, 8, 7 गाइस ये 0 हो जाएगा कम्प्लीटली। तो गाइस हमें इधर से 10 कॉइन इधर से हमें इजी तरीके से दे दिए जाएंगे। तो गाइस ये जो टाइमर है वो कंप्लीट हो चुका है। कंप्लीट होने के बाद गाइस आप देख सकते हो इधर से मैं ऑटोमेटिकली बैक आ चुका हूँ। बैक आने के बाद गाइस आप देख सकते हो इधर से मैं प्रॉपर तरीके से बैक आ चुका हूँ। बैक आने के बाद गाइस अब मैं क्या करूँगा, इधर से मैं ओपन कर लूँगा। ओपन करने के बाद गाइस अब मैं इधर जाऊँगा। तो गाइस आप देख सकते हो 34 मेरे पास कॉइन इधर से हो चुके हैं, जो कि गाइस आप देख सकते हो इंस्टेंट मेरे वॉलेट में कॉइन एडिट हो चुके हैं। एडिट होने के बाद गाइस आपको गाइस विजिट एंड अर्निंग के ऊपर इसी तरीके से गाइस आपको अर्निंग करनी होती है। तो गाइस आपको वीडियो का इधर ऑप्शन दिख जाता है, वीडियो वॉल, इसके ऊपर जैसे आप ओके करते हो तो गाइस आपके सामने गाइस कई ऐसे ऑप्शन आ जाते हैं गाइस, जो कि आप वीडियो देखकर भी इधर अर्निंग कर सकते हो। तो गाइस आपको सामने गाइस ये बिनोमो की ऐड आ चुकी है। तो गाइस इसे कट कर देना गाइस आपको बैक बटन से कट करने के बाद गाइस आपको क्या करना है, इधर पर वीडियो पर गाइस आपको इधर 10 कॉइन दे दी जाएंगे। गाइस वीडियो ऐड देखना आप जानते हो, वीडियो ऐड आप देख लेना गाइस। अगर तो गाइस मैं इधर 30 सेकंड का वीडियो चलाऊंगा तो गाइस आप जानते हो गाइस इधर मेरे को वेट करवाना पड़ेगा आपको। तो गाइस वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता, मैं आपको किसी भी चीज़ के लिए वेट करवाऊँ। तो गाइस आपको इधर जो छठा ऑप्शन है वो टास्क का ऑप्शन मिल जाता है, इधर आप टास्क के ऊपर क्लिक कर देना। आपको इधर टास्क के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको मैं बता देता हूँ, इधर दिखाई दे रहा होगा आपको, मैं अंडरलाइन करके बता देता हूँ। इधर की तरफ आपको ये दिखाई दे रहा होगा, इधर आपको टास्क का ऑप्शन, ये गेम्स है। तो गाइस इधर गाइस आपको कंप्लीट टास्क अर्न पॉइंट, गाइस इधर साफ साफ लिख रहा है आप टास्क कंप्लीट करोगे जब भी आपको पॉइंट अर्निंग कर पाओगे। तो गाइस आप जैसे ही 500 जो कॉइन है इसके ऊपर जैसे ओके कर देते हो तो गाइस आपके सामने गाइस ये खुलेगा। तो गाइस इधर खुलने के बाद गाइस आप इधर देख सकते हो इधर सब कुछ डिटेल आ चुकी है, इधर आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ। इधर आपको मैं बता देता हूँ, इंस्टॉल एंड अर्न 5000 टिकट्स। तो गाइस इधर टिकट्स का कुछ मार्जिन है, तो गाइस आप इधर से देख सकते हो, इधर से आप गाइस टिकट्स भी अर्न कर सकते हो। तो गाइस इधर करना कैसे, गाइस आप जैसे आपको नीचे दिख रहा है प्रोसीड के ऊपर जैसे आप क्लिक करोगे आपको कुछ वेबसाइट पर ले जाएगा। ये वेबसाइट पर ले जाने के बाद आप इधर से भी इसी तरीके से, तो गाइस ये प्ले स्टोर पर हमें रिडायरेक्ट कर दिया। तो गाइस ये जो आपको ऐप दिखाई दे रही है आप इसको इधर से इंस्टॉल कर लेना है। इसको जैसे इंस्टॉल करोगे तो गाइस इस ऐप में आपको कुछ गेम मिल जाते हैं, जिनको गेम को खेलकर आप गाइस इजी तरीके से अर्निंग कर सकते हो, टिकट की अर्निंग कर सकते हो इजी तरीके से। तो गाइस ये तो हो गई गाइस टिकट कमाने वाली बात। अब मैं आपको बता देता हूँ इधर लास्ट ऑप्शन जो भी इसका ऑप्शन है रिवॉर्ड का। तो गाइस इधर गाइस रिवॉर्ड का ऑप्शन आपको इधर दिख जाता है। रिवॉर्ड के ऑप्शन में गाइस आपको गाइस इधर दो तरीके से गाइस आप इधर से पेमेंट निकाल सकते हो। तो गाइस फर्स्ट तरीका तो यह है गाइस पेपाल का, जो कि आप जानते हो, और गाइस दूसरा तरीका है गाइस UPI, वो भी आप जानते हो। तो गाइस किस तरीके से गाइस आपको पेमेंट लेना पसंद है वो आप सब कुछ ले लेना, जो कि आप जानते हो। तो गाइस इधर गाइस आपको दिखाई दे रहा होगा 10,000 कॉइन के, गाइस मैं आपको बता देता हूँ 10,000 कॉइन के गाइस आपको इधर 60 रुपये मिल जाते हैं UPI में। और गाइस आप इधर से 10,000 कॉइन के गाइस आप गाइस मतलब कि 1 US गिफ्ट कार्ड इधर से ले सकते हो। तो गाइस आपको गाइस करना क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोनों पे। तो गाइस आप पेपाल के ऊपर जैसे ही ओके करते हो तो गाइस पेपाल के ऊपर ओके करने के बाद आपको आपकी इधर GMAIL ID दे देनी है, जो भी आपकी GMAIL ID है। इधर देने के बाद गाइस आपको सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद गाइस आपको 24 से 48 घंटे में आपका जो भी पेमेंट होगा वो आपके वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और गाइस UPI में तो आप जानते हो UPI के ऊपर जैसे आप ओके करोगे तो गाइस आपके जो भी UPI नंबर है, जो भी UPI ID है, वो सब कुछ आपको इधर दे देना है। जैसे आप इधर दोगे तो गाइस आपको भी इधर से 24 से 48 घंटे में पेमेंट कर दिया जाएगा। तो गाइस आज की इस वीडियो में यही था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना। मैं मिलता हूँ इसी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।